हाईवे पर 10 फीट के मगरमच्छ को देख लोगों की बन गई गिग्गी। काबू करते थके रेस्क्यू टीम। गुजरात के कोडिनार में मगरमच्छों का तालाब से निकलकर सार्वजनिक जगहों पर आवागमन पिछले एक महीने से काफी बढ़ गया है। कुंडों में पानी की कमी की वजह से और तेज गर्मी के चलते मगरमच्छ सड़कों पर आ जाते हैं। कुछ स्थानीय निवासी के घर में भी घुस जाते हैं। यहाँ तक कि महीने भर में ही रेस्क्यू टीम द्वारा 7 मगरमच्छों को रेस्क्यू किया गया है। बुधवार को फिर एक मगरमच्छ हाईवे पर आ गया। उसे देख वहां से गुजरते लोगों की गिग्गी बन गई। साथ ही वाहन चालकों में खलबली मच गई। 10 फीट के मगरमच्छ को काबू करने में 8 कर्मियों के पसीने छूट गए। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को काबू करने में कोशिश की, मगर रेस्क्यू टीम के मेंबर्स को देख वहां मगरमच्छ वहां से भागने लगा। वह रोनाज गांव के पास अमरेली स्टेट हाईवे किनारे खड़े पेड़ पौधों के जुरबट में छिपने लगा। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम के मेंबर्स उसे पकड़कर लाए। रेस्क्यू टीम के मेंबर्स की संख्या 8 थी और वे जामवाला और कोडिनार के जंगल से आए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस विकराल मगरमच्छ की लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, WNA न्यूज। कोडिनार तालुका रोणास गाम थी जामवाला रोड जाए छे, ए रोड पर स्टेट हाईवे पर सवारना 11 वागे मगर ना मैसेज हमने मळेला। हवे मगर पकड़वा माटे अमे आया छे, तो गाड़ी मां गई गयेली हती। 10.5 फूट की मगर छे, मादा मगर छे अने 1.5 कलाक थी आज ટોટલ 7મી મગર છે અમારે, અને આ તો વણી પરણી એરિયા છે, દીપડા મગર એવું હોય છે, ગીરની બાજુનો એરિયા છે।